ओ शांति, आज 5 जून 2022, आज की अव्यक्त मुरली, आज की मुरली का विषय है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए दो बातें याद रखें, प्रसन्नचित और निश्चिंत आत्मा बनो। प्रसन्नचित आत्मा बनो और निश्चिंत आत्मा बनो। ये बाबा ने 25 फरवरी 1991 को महावाक्य दिए थे, ये मुरली चली थी, आज हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। आज बाप दादा किसे देख रहे हैं? चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे। संगम युग है ही, संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता, संतुष्टता नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है, संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की पवित्रता, ब्राह्मण जीवन के पवित्रता की पर्सनैलिटी है। संतुष्टता नहीं तो वे आत्मा पवित्र भी नहीं। पवित्रता की पर्सनैलिटी प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। जो आत्मा संतुष्ट है वही विशेष आत्मा कहला सकती है। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती हैं, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी, किस पद पर ये कार्य करता है। और ब्राह्मण जीवन में जिस आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया? बाप
बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं, तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। यदि गुण व शक्तियां कम तो वर्षा भी कम। कोई कमी नहीं है, हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से दो गुण आपको, दो गुण इसको, ऐसे नहीं। बाबा ने बांटते हुए ऐसे नहीं किया, चल तेरे को ये गुण दे देते हैं, तेरे को ये गुण दे देते हैं, नहीं। सबको सारे गुण, सारी शक्तियां वर्षा फुल संपन्नता से संपूर्णता का दिया। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता होगी, तभी दिल से निकलेगा पाना था सो पा लिया, अब पाने को कोई रहा ही। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहां तक ये पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है, यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी, कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, कोई दाग ही नहीं, कोई कमी नहीं। जब तक कमी है वो संतुष्ट नहीं हो सकता, दाग लगा हुआ है। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा, सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और सबको अनुभव कराएगी। दूसरी आत्माएं भी प्रसन्न होंगे, प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रसन्नचित नहीं होता। जब कोई प्रसन्नचित होता है तो वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। एक होता है प्रसन्न चित्त और दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, नहीं,
लेकिन डॉट डॉट बिंदु, कोई प्रेशर नहीं खड़ा करना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना, क्यों क्या नहीं, फुल स्टॉप बिंदु, एक सेकंड में विस्तार समा गया, एक सेकंड। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है, तो चेक करो ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा एक साथ, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहां तक संतुष्ट, कहां तक संतुष्ट है। अच्छा तीसरा प्रश्न, सर्वात्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच गए, ये भी बहुत अच्छा, योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली है? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियां मिट्टू वाफिक भी संतुष्ट समझते, ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना
ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो, स्वयं को पर्सनैलिटी समझें, और दूसरे ने दूसरा नहीं। इसको कहा जाता है मियां मिठू, ऐसे संतुष्ट बनना ही है। लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्टता संतुष्ट आत्मा बन, यथार्थ अनुभव करो संतुष्टता, अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा, ऐसी संतुष्टता संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया अनुभव करें। दुआ मांगेंगे नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके ही आने के माध्यम से दुआ मांगेंगे नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, अल्पकाल की सिद्धियां या अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं, ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी कराएंगे। और आगे के लिए भी उत्साह है, ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो, अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहां तक नहीं। उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ, तब पहले स्वयं में प्रत्यक्षता होगी, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया।
अर्थात शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, अशरीरी तपस्वी रूप विकारो रूपी सांप को गले का हार बना दिया। अरे वाह सांप, बाबा कहते ये देह सांप है आत्मा मणि। आत्मा से सब कुछ मत, विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति ऊंचे आसन धारी ये तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वे हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। यह वायु धरती समुद्र जल इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, इसको मानेंगे पावरफुल। पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन। परिवर्तन नहीं हो, प्रकृति हाजिर हो जाए। परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए, जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग रहता है, करते हो ना थर्ड संडे, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख
सदा हर्षित होते रहते हैं, ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। तब तो भारत में आए हैं, बाबा तभी तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में भी मधुबन वासी बनना अच्छा, और बाकी जो जैसा भी बनना चाहे मधुबन वासी बनना है। अच्छा लगता है, अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबन वासी बन जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे। फिर यहां आएंगे तो फिर भेजेंगे ना, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो बहुत लंबा चौड़ा है, पीस पारक पड़ा ही है, वहां पहले से ही प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएगी। वो समय ही और होगा, ये समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन, वाणी द्वारा ज्ञान सुनाना और कर्म द्वारा प्रैक्टिकल करके दिखाना। संकल्प हो तब सेवा, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लव, ये तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से आने को दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं, फिर भी दूर से आने वाले अच्छे 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 हो ना, क्योंकि विमान में आते हो जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले बच्चे हो, यहां से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते और आ जाते हैं। ये भी एक याद की विधि है, जाना है जाना है जाना है। यहां आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है,
फिर जाने के समय आना सोचते हो, ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही है। बिना ब्राह्मणों के आबू की शोभा अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्न चित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय तीनों सेवा करने वाले तीव्र गति की सेवा के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ सिद्धि के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, हम बच्चों की भी याद प्यार नमस्ते। ये बाप दादा की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सभी अपने को होली हंस समझते हो, होली हंस का विशेष कर्म क्या है हर एक ने सुनाया, जो विशेषताएं सुनाई वे प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्वशक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्वशक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले सदा पवित्र हैं थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना, बाप दादा बच्चों को अनेक प्रकार अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित, बच्चों का पाठ रहा है अनेक बार पाठ बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है कहाँ, कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गई हो ना, जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है जानते हुए भी फेल क्यों होते हो, अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे। कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू की बीमारी, और फ्लू क्या करता है पता है, कमजोर कर देता है, उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो, पास विद आनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना।
तो क्या करना है, पास होना है, पास रहना है और पास करना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना चाहिए। या दूर रहना, क्या क्या करना चाहिए, पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर वन बाप की शुभ आशा कौन सी है, खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और विदेश के देशों में माइक निकले जरूर है, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं वियोगी। माइक निकले जरूर हैं, लेकिन बाहर जाने के कारण सहयोगी और दूसरे हैं विदेश, दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो, वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लक्की है। आपका बाप से कितना प्यार है? अच्छा, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई है ना। अच्छा, आज का वरदान, हर संकल्प को बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्यात्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से, दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के अधिकारी या निमित्त बनते, उन्हें ही वहां भोजन मिलेगा। निमित्त बनते हैं उन्हें ही फिर प्राइज मिलती है, तो निमित्त बनेंगे तो प्राइज भी उनको मिलेगी। स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो, बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 40 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106969 व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर
केवल व्हाट्सएप करें, फोन ओम शांति।